कर दिया, खुद ही सरेंडर कर दिया, पटना के फरमान जारी कर दिया कि 2005 साल पहले बिहार की 11-8 दशा के लिए उन्हीं के हाथों में बिहार को सौंप देने का फरमान जारी कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया, बार बार उनसे मिलकर आग्रह किया, पार्टी की बैठकों में हमने उनसे कहा कि नीतीश जी मत कीजिए, आपका इस निर्णय से पार्टी बर्बाद हो रही है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के सपनों के अनुकूल जो पार्टी बनी वह पार्टी बर्बाद होते जा रही है, लोग धीरे धीरे हमको छोड़ते जा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, तब हमने कहा जी पार्टी समाप्त हो रही है तो पार्टी को हम लोग बना लेंगे, पार्टी और जनता की मदद से बन बनी है तो पार्टी को हम बना लेंगे, हमने बना ली पार्टी। लेकिन दूसरा जो हम लोग फरमान है भाई और मित्र, हम आपसे पहले आए पार्टी बनाना हमारे और हमारे साथियों के हाथ में था, हमने पार्टी बना ली है। लेकिन दूसरा जो नीतीश जी का फरमान है कि पार्टी तो पार्टी जनता दल उन्होंने फिर भी रख दिया राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में, तो हमने अलग अलग पार्टी बना ली है। लेकिन दूसरा उनका फरमान है पार्टी को फिर भी रखने के साथ साथ बिहार को भी हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में फिर भी रखेंगे। यह जो फरमान है भाई मित्रों, हमने कहा वहां पटना में कह दिया है पटना में नीतीश जी आप पार्टी थी नहीं माने, आपको बंधक बना दिया जनता दल के हाथ में, लेकिन अब बिहार का बंधक बनाने का जो आपका निर्णय है, हम लोग चाहे जितनी परिस्थिति का सामना करना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, जितना सरसों पर धूल फांकना पड़े, हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से हाथों में नहीं जाने देंगे। हमने उनसे कह दिया है और भाई और मित्र हम आपसे कहने के लिए आए, यह काम आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकता। हमारा संकल्प है कि बिहार को बचाएंगे, यह संकल्प कभी पूरा होगा जब आप सब लोग मिलकर साथ दीजिएगा, सब लोग मिलकर साथ दीजिएगा। हम चाहते थे सामान्य तौर पर जो राजनीति को करने वाले लोग होते, एक वार्ड का मेंबर उसको कहिए कि 6 महीना पहले रिजाइन कर दो, तो वार्ड का मेंबर को रिजाइन करता ही नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा एक बार नहीं अनेक बार बड़ी बड़ी जगह को छोड़ छोड़ संघर्ष के रास्ते पर चलता रहा। हम चाहते थे तो मेरे लिए भी रास्ता था, हम चाहते हम क्या गरज पड़ा था, हम चुपचाप रहते एमएलए एमपी बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, ठंडा घर में जाने के लिए लोग क्या क्या पापों करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ठंडा घर में था, हम चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन हमने जेपी जैसे महापुरुषों से, जगदेव बाबू जैसे महापुरुषों से, जननायक ठाकुर जैसे महापुरुषों से सीखा है कि राजनीति में कोई जगह मिल जाए और वह जगह जनता के काम के लिए न हो, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए हो, उस जगह को छोड़ने में एक मिनट भी देर नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए इसीलिए हम छोड़ कर आए हैं, वरना हम चाहते तो हम आराम का जीवन वहां व्यतीत कर सकते थे, हमको कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन हम आए हैं लोग सामान्य तौर पे संघर्ष इसलिए करते हैं कि हम कुर्सी पर जाए, और उपेंद्र कुशवाहा बार बार बस इसलिए छेड़कर संघर्ष में आता है कि जनता का कल्याण कैसे हो, यह बात तो लोग सड़क से सदन की ओर जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा सड़क से सड़क पर आया है, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ अनर्थ रखने का निर्णय हो गया था, उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता, उपेंद्र कुशवाहा का लाभ हो ही रहा था, व्यक्तिगत रूप से आराम का जीवन उसको मिला हुआ था, लेकिन ऐसा करते तो आपके साथ अन्याय हो जाता, बिहार के साथ अन्याय नहीं हो पाता, इसलिए हम कहने आए हैं, इसलिए कहने आए हैं कि 2005 के पहले की स्थिति को किसी रूप में मत स्वीकार कीजिएगा, मत स्वीकार कीजिएगा। अभी तो पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में नहीं आए हैं, तो आधा आधा आए हैं,
कुमार जी और कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे घर के बुजुर्ग हैं और अभी भी बिहार सरकार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उनके साथ व्यवहार हो रहा है। सरकारी कार्यक्रम में डेढ़ घंटा दो घंटा मुख्यमंत्री जी को बैठकर इंतजार करना पड़ता है अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्य।